वो कभी ना कहा है। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा। नहीं कभी। तो ठीक है, आज मैं देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। माँओं की गोद सूनी करने के लिए सुहागनों का सिंदूर उजाड़ने के लिए हर अत्याचार का एक न एक दिन अंत जरूर होता है सालम सिंह। हर शोला जलकर राख बनता है। आज तेरा भी अंत आ गया है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। मरने से पहले अपने शैतान को याद कर ले। मैंने तुझसे कहा था ना इंस्पेक्टर, कि जिस दिन मैं जेल तोड़ के निकला वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज वो दिन आ गया। रोते नहीं है आशा ना। इस मिट्टी के शरीर को एक ना एक दिन मिट्टी में तो मिलना ही था। आशा आशा तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारे पति ने फर्ज के लिए अपनी जान दी। जो फर्ज के लिए मरते हैं ना वो मरते नहीं है। थप्पड़ मारूंगा होश ठिकाने आ जाएंगे। इडियट कहीं का मरने क्यों जा रहा था? जानता नहीं आत्महत्या करना जुर्म है? इस दुनिया में मेरा पैदा होना भी बहुत बड़ा जुर्म है। मैं मरूं नहीं तो और क्या करूं साहब? मेरा बाप चोर है, मेरा बड़ा भाई खूनी है, मैं बहुत गरीब हूं साहब, बहुत गरीब। अखबार बेचकर पैसे कमाता हूं और मैं पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनना चाहता हूं साहब, लेकिन कोई मुझे पढ़ने भी नहीं देता। स्कूल में, गली में, मोहल्ले में जहां भी जाता हूं यही सुनाई देता है, इसका बाप चोर है, इसका भाई खूनी है। लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया साहब। अगर मेरा बाप चोर है और मेरा भाई खूनी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? उनके किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? ऐसा ही होता है बच्चे, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। अब न तुम आत्महत्या करोगे और न ही ये शहर छोड़कर कहीं और जाओगे। मैं तुम्हें लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। जिंदगी का
डट के सामना करना है, मुसीबतों से घबरा के भागना नहीं है, समझ गए बच्चे? कितनी बार कहा है कि इस खूनी भाई की हर तस्वीर को, हर चीज को हमारी जिंदगी से निकाल कर फेंक दो, मिटा दो उसकी याद को, जला दो उसकी याद। तो क्यों नहीं समझता मां, तुम ये कैसे भूल जाती हो कि इस खूनी की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कैसे भूल जाती उस आवाज को जो राक्षस की तरह मेरे चारों तरफ घूम घूम कर चिल्ला चिल्ला कर कहते रहती है कि ये खूनी का भाई है, ये खूनी का भाई है, और उसी खूनी की तस्वीर को अपने सीने से लगा रखती हूँ। तू समझता क्यों नहीं बेटा कि मैं एक माँ हूँ, और माँ के लिए उसका बेटा अच्छा हो, बुरा हो, चोर हो, शराबी हो, खूनी हो, लेकिन बेटा ही होता है। उसके लिए माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। और तू तू ये क्यों भूलता है कि वो तेरा अपना ही खून है, तेरा बड़ा भाई है। वो तुझे बहुत प्यार करता था जब तू छोटा था ना, चलना भी नहीं सीखा था, तुझे अपने कंधों पे उठाए फिरता था। हाँ। अगर मेरा बड़ा भाई अपाहिज होता, बीमार होता, अंधा होता, तो सारी जिंदगी उसकी सेवा करता, उसके पैर धोकर पीता, दुनिया को गर्व के साथ कहता कि ये मेरा बड़ा भाई है। लेकिन उस हत्यारे को मैं अपना भाई कभी नहीं मानूंगा। जो लोग तुम्हें एक पुलिस अफसर की मां कहते हैं, समाज में जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, अगर अचानक वो किसी दिन सामने आ गया तो वही लोग तुम पे उंगलियां उठाएंगे, तुम्हें खूनी की मां कहेंगे, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ऐसा होने से पहले मां, मैं अपनी जान दे दूंगा। अजय, मां अंबे, आज तक हर मां तुझसे यही प्रार्थना करती रही कि उनके बिछड़ों को मिला दे, उनके सब बच्चों को एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रखे, उन्हें कभी अलग ना होने दे। लेकिन आज आज ये अभागिन माँ तेरे चरणों में विनती करने आई है कि उसके बिछड़े हुए बेटों को मत मिलाना, उन्हें एक दूसरे के सामने कभी मत आने देना, कभी मत आने देना माँ, कभी मत आने देना। आची नहीं,